सर, आज रूस ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, तो हमारे यहाँ भारत में वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी, और पहला डोज कब से मिलना शुरू हो जाएगा, कब तक हम उम्मीद करें? और दूसरा सवाल ये कि सर, आप ये भी दावा किया गया था कि वैक्सीन की खोज कोई करे, कोई तैयार करे, भारत प्रोडक्शन खुद करेगा, तो ये कब से हो जाएगा सर? क्या अपडेट है इस बारे में? अपडेट ये है कि भारत में एक कुल तीन प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की, और उन्होंने एक एग्नी से जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है, इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन के फेज़ वन ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं, फेज़ टू ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं, फेज़ थ्री ट्रायल ब्राज़ील में चल रहे हैं, और भारत में फेज़ थ्री ट्रायल प्रारंभ कर में हेडक्वार्टर्ड है ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज़ वन और फेज़ टू ट्रायल अभी चल रहे हैं। फेज वन फेज टू ट्रायल जब समाप्त हो जाएंगे तो फेज थ्री ट्रायल होंगे, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग की वो अनुमति लेंगे। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है। 64 सर, वैक्सीन से जुड़ा ही मेरा सवाल है कि रूस में वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराया है, इसके बाद अगर ये मार्केट में आ जाती है तो रूस से किसी तरह का सरकार का कोई ऐसा प्लान है कि रूस के साथ टाई अप करके भारत में तेजी से इसको वैक्सीन को लाया जाए? केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक कल निर्धारित है। इस नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता नीति आयोग के मेंबर हेल्थ करते हैं, और इसकी जो सह अध्यक्ष हैं वो सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हैं। इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है, वो है कि सूटेबल वैक्सीन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे की जाएगी, उन ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीन से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स के मामले हैं जैसे कोल्ड चेन, इन्वेंट्री, इस तरह की बातें, वो कैसे की जाएंगी, वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए।